ऐसा ही ठीक है क्या? बिल्कुल जापानीज स्टाइल है। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मायो है। आज मैं पुकारा में हूँ, नेपाल, और अब बोध से एक मंदिर में जा रही हूँ, और उसके बाद दूसरा जापानीज मंदिर में भी जा रही हूँ, और केव और वाटरफॉल कुछ साइट सीइंग करने वाली हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करें। I want to take a boat. Boat में मंदिर जाना चाहती हूँ। मंदिर जाना चाहते हैं? हाँ। कितना जान? कितना आदमी है? एक। सिंगल? सिंगल। हाँ, मैं सिंगल हूँ। ओके। थैंक यू। अच्छा, अरे अकेली जा रही हूँ क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बाय बाय। पता नहीं फिर आऊंगी। अरिगातो। अरिगातो या अरिगातो। अरिगातो गुज़ाइमास। अरिगातो गुज़ाइमास। अरे ऐसा ही ठीक है क्या? ठीक है। जल्दी जा रहे हैं या सेम है? थोड़ा जा जल्दी है। और कोशिश जोर से करूंगी। वो द्वीप मेरे सामने है। ちょっと靴を脱いでお寺の中に入りたいと思います。 Can I come in? OK OK。 今初めて自分の顔を見ましたが、赤いのをつけていただきました。さて戻ろうかな。戻って、これからまた違うお寺に、行きたいと思ってるんですよね。はい。Thank you. Have a nice day. バイバイ。Thank you. バイバイ。Hello. ナマステ。元気。元気です。अब चालीस या पचास मिनट ट्रैकिंग करके एक जापानीज स्टूपा में जा रही हूँ। तीन रास्ते हैं, मुझे पता नहीं कौन सा रास्ता जाना है। सर ऊपर जाना है इसलिए इधर ही होगा। अगर गलत है तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। कोई नहीं है आसपास में। अच्छा मुझे क्या करना है बताइए। इधर रास्ता ठीक है क्या? लाइव स्ट्रीमिंग करके पूछो। आप लोग में से एक बंदा तो जानता होगा। मेरा भी तो हक है। चलो खींचते मिले। Excuse me, hello. Stupa, which way? This way? Okay, okay, great. Thank you. धन्यवाद। इधर है ना? अच्छा オッケー、合ってたっぽい。やった、嬉しい、合ってた。これで確信が持て。結構急じゃないかこの斜面。おいしょ。ここも結構村人が住んでるんですよ。こうやって後ろ見えるかな、こんな感じね。マジここで生活するのきつくないのかな。え、てかまた道が分かれてる。こっちかな、また聞いてみよう。よいしょ。Hello, namaste. あ、steeper this way? Oh, this way. Oh, okay, okay, okay. よいしょ。Very difficult. Difficult to go. Which way? Which way? okay, okay. Okay. Thank you. 안녕하세요. Picture, huh? Good, good. Very beautiful. Yes.
बहुत ही गर्म थी इसलिए जैकेट उतार दिए। अब तो 5 मिनट बाकी होगी। अच्छा कोशिश करती हूँ। やっと見えてきましたよ。これこれ、あとちょっと。あ、一人です。どこの県からですか？福岡出身です。どちら出身ですか？愛媛。愛媛県に、日本人ですか？じゃないよ。ネパール人ですか？日本の20年住んでるから。あ、そうなんですね。もうバリバリ日本語が上手なネパール人の方が。ムチェナヒラグタキエスティーパージャパニーズスタイルヘ。レキンウブダムルティビルクルジャパニーズスタイルヘ。यहां से पूरा पोखरा देख सकती हूं। अंदर जापानी मंक साधु कहते हैं क्या? हाँ, वो मंत्र पढ़ रहे हैं। जापानी में ओबोसान कहते हैं। ओबोसान जापानीज ओबोसान नेपाल में मंत्र पढ़ रहे हैं तो बहुत मुझे अच्छा लगा। तो अंदर फोटो वीडियो लेना मना है तो आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ बिल्कुल जापानी स्टाइल का मंदिर है इसके अंदर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ मैं नेपाल में हूँ, मुझे लगता है मैं जापान में हूँ। चलो यहाँ से सीधा नीचे जाके एक मंदिर और वाटरफॉल तक जाऊँगी। रास्ते में गाय। कल रात को बहुत जोर से बारिश हो रही थी इसलिए रास्ता बिल्कुल भीगा हुआ है। आलू को अब पैदल स्तूपा से डेविड्स फॉल नामक वाटरफॉल जाने वाली हूँ। शहर तक पहुँच गई, बाकी 5-10 मिनट का रास्ता होगा। रास्ते में टेबल टेनिस,洞窟兼お寺に到着しました。だからいきなりこんにちは、こんにちは、こんにちは。たくさんの人がですね、私にニーハオって言ってくるんです。中国人に見えるのか、まあてかぶっちゃけ中国人観光客の方が多いから、ニーハオって言うだと思います。グプテーシュワルマハデーブケーブパフンチュガイ。इस इमारत के नीचे एक केव है तो उसके अंदर में मंदिर है। चलो केव के अंदर चलते हैं। ओहो बहुत ही अंधेरा है, लोग बहुत है, हवा कम है और थोड़ी सी बदबू आ रही है। ये लड़की बहुत ही मजबूत है, हाई हील में केव चल रही है। मंदिर में फोटो वीडियो लेना मना है इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी। यह वॉटरफॉल है, ये अंदर से देख रहे हैं हम और बाहर जाके बाहर से भी देख सकते हैं, तो फिर दिखाऊंगी। डेविड्स फॉल जो वॉटरफॉल मैंने केव के अंदर से देखा है, उसी वॉटरफॉल मैं बाहर से देखने वाली हूँ। इस वॉटरफॉल का असली नाम है पतले चांगो, लेकिन लोग इसको डेविड्स फॉल कहते हैं क्योंकि पहले देवी नामक एक आदमी इसी वॉटरफॉल से गिर के मर गया है। चलो नेपाल में पहली बार बस इस्तेमाल करके होटल वापस चलूंगी। एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन सी बस कौन सी जगह जा रही है, इसलिए मैंने वहां खड़े हुए दो आदमियों से पूछा है कि कौन सी बस में चढ़ना होगा। एक नेपाली था और एक इंडियन था, और पता चला कि वे लोग मुझसे सेम जगह जा रहे हैं।
इसलिए हम तीनों एक साथ एक बस में चले हैं और उन्होंने मेरे लिए बस के पैसे भी दे दिए। बहुत ही मेरी मदद की स्वागत किया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और स्ट्रीट फूड भी खिलाया है। अभी एक्सेसरी दुकान में है और चाय पी रही हूँ, चाय दे दी इसलिए। तरकिमास। बढ़िया, बहुत अच्छा है, ओइशी देस। यहाँ बहुत सारे एक्सेसरीज हैं और ये 20 रुपए के इयररिंग्स, ये 100 रुपए के इयररिंग्स। मैं इन तीनों चीज़ें खरीदने वाली हूँ। ये कागज़ बहुत दिलचस्प है। इसमें लिखा है कि मैं एक जापानीज आदमी हूँ और इस दुकानदार को महीनों से जानता हूँ। ये लड़का बहुत अच्छा है और ईमानदार है और 2400 से ज़्यादा पैसे मांगता नहीं है। तो जापानी लोग आराम से बिना चिंता के यहाँ पे खरीदारी कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। एक तो ये दुकानदार सच में बहुत ही अच्छा सच्चा लड़का होगा और ये लिखने वाला जापानीज आदमी भी बहुत अच्छा होगा, है ना? तो आपको कैसा लगा? नेपाल आज पहली बार पोकाड़ा साइटसीइंग कर रही हूँ, किया है और बहुत ही अच्छा लगा। देखने की बहुत ही चीज़ें हैं ना पोकाड़ा में, और बहुत ही मतलब पैदल चल चुकी हूँ आज। लगभग 2 या 3 घंटे आराम से पैदल चलती थी, चल रही थी और शायद हेलो हाँ तो बहुत थक गई हूँ, लेकिन ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है? मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, पता नहीं, बाय बाय।